हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं दाल पूरी की रेसिपी शेयर करने। दाल में ना इसको धो करके कुकर में डाल करके पानी डाल देना है। जैसे दाल भर पानी डालते हैं और उसमें हल्दी नमक डाल के बैठा देना है, उबाल देना है। कितने सीटी लगानी है? बस दो सीटी लगते लगते उतार देना है। उसको छान करके इसमें का पानी निकाल करके उसको सिलबट्टा पर थोड़ा सा जीरा भूज लेना। जीरा भूज के देखो जीरा है, ये जीरा भूज लेना है। और फिर थोड़ा सा मेथी, अब जीरा को इसमें पूरन में डाल देंगे। ये पीसी हुई दाल है जो पीसा आपने? पीसा हुआ दाल है, उसमें डाल दिए। पीसा हुआ दाल में ये जीरा डाल दिए। ये जो हमारी चने की दाल थी वो पिस के अब तैयार हो चुकी है। तो ये हम डो, आटे का डो जो है ये बना के तैयार कर लिए थे। अब हम बना रहे हैं इससे दाल की पूरी। देखो इसको आटा से ऐसे कर लेना, फिर इसमें भरना ऐसे ऐसे करके। जैसे आलू पराठा भराता है ना, ऐसे दाल का पूरी भी भराता है। गरम कर लिया, अब इसके ऊपर डालेंगे पूरी। इसे उलट दिए इसको। तब तक हम इधर अपनी दूसरी पूरी बनाएंगे। तो इधर हमारा ऐसे तेल लगा करके ऐसे इसको आलू पराठा जैसे सेकना है। इधर भी उलट करके ऐसे लगा लेना है। ये हमारी दाल की पूड़ियाँ तैयार हैं। देखिए ये दाल पूड़ी के साथ खाने वाली ये दाल है जिसे हम दाल फ्राई कहेंगे। ये हमने आज आलू और गोभी की सब्जी बनाई है। ये है सेवैया, ये आलू की भुजिया और ये हमारी दाल पूड़ी। ये आज हमारी पूरी प्लेट है।